नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 जून, दिन सोमवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इस वजह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं नीतीश। सम्राट चौधरी ने लोकसभा चुनाव को लेकर किया यह दावा। नीतीश कैबिनेट का विस्तार, कांग्रेस से दो और राजद से एक मंत्री को मिलेगी जगह। पप्पू यादव ने बताया एनडीए या महागठबंधन किसके साथ जाएगी उनकी पार्टी। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। अब चलिए बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। इस वजह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं नीतीश। 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की महाबैठक के साथ साथ रैली निकाली जाएगी। बीजेपी के विरुद्ध विपक्षी दल अपना सख्ती प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इससे पहले 20 जून को सीएम नीतीश कुमार तमिलनाडु दौरे पर जाने वाले हैं। यह दौरा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात करने को लेकर है। नीतीश कुमार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें विपक्षी एकता के बैठक में शामिल होने का न्योता देंगे। विपक्षी महाजुटान को लेकर नीतीश कुमार का यह पहला दक्षिण भारत के राज्य का दौरा होगा। बता दें कि होने वाले इस विपक्षी एकता के बैठक में देश भर से कुल 18 दलों के दिग्गज शामिल होंगे। सम्राट चौधरी ने लोकसभा चुनाव को लेकर किया यह दावा। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल एक से एक दावे किए जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि 2024 के आम चुनाव में हमारा लक्ष्य 405 सीट लाना है। बता दें कि उन्होंने यह बातें मोतिहारी के अरेराज में एक रैली को संबोधित कर कहा है। आगे उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 400 से भी अधिक सीटों पर जीत मिलेगी और विपक्षियों को करारी हार मिलने वाली है। यदि 2019 के आम सभा चुनाव पर गौर करें तो उस वक्त आम सभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 306 सीटें हासिल की थी। समान नागरिक संहिता को लेकर सुशील मोदी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। देश में समान नागरिक संहिता को लेकर काफी घमासान देखा जा रहा है। इसे लेकर राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इसे समर्थन देते हुए कहा कि जब भारतीय दंड संहिता में सभी धर्म के लोगों के लिए सजा का कानून समान है, तब विवाह, तलाक, गुजरा भत्ता से संबंधित कानून में समानता क्यों नहीं होनी चाहिए। विपक्षी दलों को अपने निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि बात बात पर संविधान की दुहाई देने वाले विपक्षी दल संविधान की धारा 44 की चर्चा क्यों नहीं करते, जिसमें देश की निर्वाचित सरकार से समान नागरिक संहिता लागू करने की अपेक्षा की गई है। आगे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आधा दर्जन से अधिक मामलों में सुनवाई के दौरान समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। अभी हाल में ही केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में मौजूद नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी का नाम बदलने पर भाजपा पर जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे इतिहास को बदलना चाहती है, उन्हें देश के लिए काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं, वे देश को तोड़ना चाहते हैं, वे इस देश पर सम्राट की तरह शासन करना चाहते हैं। आगे उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि लोग पूरे इतिहास को ही बदलना चाहते हैं, हम लोग तो पहले से ही बोल रहे हैं, इनमें क्या नया है। साथ ही उन्होंने भाजपा को लेकर यह भी कहा कि इन लोगों को काम करने से मतलब नहीं है, आरएसएस का अपना एजेंडा है जिसको भाजपा संविधान की जगह लागू करना चाहती है। पप्पू यादव ने बताया एनडीए या महागठबंधन किसके साथ जाएगी उनकी पार्टी। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन की विचारधारा के आसपास पार्टी की विचारधारा रही है। उन्होंने कहा है कि हमारा प्रयास होगा कि आगामी चुनाव में पार्टी समान विचारधारा वाली पार्टी के साथ गठबंधन करे। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा अल्पसंख्यक, युवा और महिला विरोधी है। आज युवा और महिला दोनों केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, सभी को भाजपा के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि बिहार के नेता धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटकर अपनी राजनीति कर रहे हैं, हमें दूसरों के लिए जीना सीखना होगा। लोकसभा चुनाव में महज 9 महीने बचे हुए हैं, ऐसे में हम सबको एकजुट होकर मजबूती से भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। नीतीश कैबिनेट का विस्तार, कांग्रेस से दो और राजद से एक मंत्री को मिलेगी जगह। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि विपक्षी एकता की बैठक यानी 23 जून के बाद बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। जहां नीतीश कैबिनेट में कांग्रेस से दो नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा, वहीं राजद पार्टी से केवल एक नेता को इसमें जगह मिलने वाली है। लिहाजा राजद के दो मंत्रियों कार्तिकेय कुमार और सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। इस इस्तीफे के बाद ही अटकलें लगने लगी थी कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। जहां कांग्रेस दो सीटों की मांग कर रही थी, अखिलेश प्रसाद की तरफ से यह कहा गया कि नीतीश कुमार की तरफ से यह तय कर दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी से दो मंत्री बनेंगे और राजद से एक मंत्री बनेंगे। आगे उन्होंने कहा कि सब कुछ साफ हो चुका है, फिलहाल हम लोग विपक्षी बैठक पर ध्यान देने में लगे हैं। बिहार के सीएम से लेकर कई नेताओं ने राहुल गांधी को दी जन्मदिन की बधाई, पर राजद ने बनाई दूरी।
राहुल गांधी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने 23 जून को पटना आने वाले हैं। आज के ही दिन राहुल गांधी का जन्मदिन भी है। विपक्षी एकता की चल रही होड़ के बीच कई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई नेता उन्हें बधाई देते नजर आए और उन्होंने राहुल गांधी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन को लेकर शुभकामनाएं भी दी। लेकिन इन शुभकामनाओं के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनकी राजद पार्टी की तरफ से जन्मदिन बधाई के कोई भी संदेश देखने को नहीं मिले। न ही लालू यादव की तरफ से जन्मदिन को लेकर किसी प्रकार की पहल देखने को मिली। इससे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा खूब चर्चाएं भी चल रही है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि एक ओर विपक्षी दलों की पटना में बैठक हो रही तो दूसरी ओर राहुल को राजद की ओर से बधाई संदेश नहीं देना क्या है। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को बताया कठपुतली। अक्सर नीतीश कुमार को लेकर दिए गए बयानों पर चर्चा में रहने वाले सम्राट चौधरी एक बार फिर से नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने नीतीश कुमार को कठपुतली बताते हुए कहा कि अब तो वे मुख्यमंत्री बनने के लायक भी नहीं है। आगे उन्होंने नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर दावा करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार है लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की बात कांग्रेस कर रही है कि उनकी पार्टी से दो और मंत्री बनाए जाएंगे। आगे उन्होंने नीतीश को फिर से कठपुतली बताते हुए कहा कि अब नीतीश कुमार को आराम की जरूरत है। कल्याण विभाग में एक कुटिया बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। कांग्रेस इस्तीफा दे रहे इस नेता ने नीतीश पर लगाया आरोप। बिहार में कांग्रेस को एक बार बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रवक्ता कुंतल कृष्ण अब कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम चुके हैं। इनके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के एक और नेता शीला कुशवाहा कौशल कुमार वर्मा भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसे लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि 2024 के चुनाव के पहले विपक्षी दलों में भड़का लग गया है। उनकी नीतियां सही नहीं है इसलिए उनके नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए कुंतल कृष्ण द्वारा आरोप लगाया गया कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी ने नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है इसलिए नीतीश कुमार का नेतृत्व कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं स्वीकार सकते। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश की पार्टी ने हमेशा कांग्रेस का उपयोग किया है। अमित शाह ने पंजाब के आम आदमी पार्टी की सरकार पर किया कटाक्ष। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार पर केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह ने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री हैं या पायलट। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है क्योंकि सीएम मान अपना सारा समय अरविंद केजरीवाल के साथ घूमने में बिताते हैं। आगे उन्होंने कहा कि भगवंत मान के पास अरविंद केजरीवाल के लिए समय है लेकिन पंजाब के लिए नहीं। पंजाब के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लोग इसके लिए उन्हें सबक सिखाएंगे। विपक्षी एकजुटता पर तंज कसते हुए फडणवीस ने नरेंद्र मोदी को बताया शेर। विपक्षी एकता को लेकर बीजेपी के कई नेता बयानबाजी कर रहे हैं। अब इसी बीच भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस का बयान विपक्षी एकता को लेकर सामने आया है। उन्होंने विपक्षियों के एकता पर तंज कसते हुए कहा कि जंगल में कितने भी जानवर एकजुट हो जाए राजा शेर ही रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा साबित होंगे और कोई भी उन्हें चुनौती नहीं दे पाएगा। चुनाव को लेकर दावा करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा अगले चुनाव में 303 सीटों का आंकड़ा भी पार कर जाएगी। हालांकि आगे उन्होंने अपनी बातों को समझाते हुए यह भी कहा कि मेरे बयान को गलत नहीं समझा जाना चाहिए। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि विपक्ष जानवर हैं। बीजेपी नेता ने कहा विपक्षी नेता अकेले पीएम मोदी को नहीं कर सकते मुकाबला। मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष का पीएम का चेहरा कौन होगा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी सीपीएम से दोस्ती करेगी तो वो नहीं जाएंगी, इसने आपस में ही खटपट है। ये कुर्सी के लिए स्वार्थी लोगों का गठबंधन है। हिंदुस्तान आपस में लड़ने वाली सरकार नहीं चाहता है। विपक्षी पार्टी मिले चाय पिए लिट्टी खाए लेकिन न बिहार उनके साथ जाएगा और न ही देश जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता अकेले पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते इसलिए वे उसे एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। देवगौड़ा गुजराल और बीपी सिंह से देश अब बहुत आगे निकल चुका है। भारत एक निश्चित सरकार चाहता है न कि आपस में लड़ने वाली सरकार। समान नागरिक संहिता को लेकर बिहार के विधि मंत्री ने कही ये बात। समान नागरिक संहिता को लेकर बिहार के विधि मंत्री समीम अहमद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस देश को समान नागरिक संहिता की नहीं विकास की जरूरत है क्योंकि यहाँ सभी जाति धर्म के लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से काम कर रहे हैं। जो जिस धर्म को मानता है उसके हिसाब से काम करता है। आगे उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव नजदीक देख भाजपा जाल फेंक रही है लेकिन जनता अब सब समझ गई है। बता दें कि समान नागरिक संहिता को लेकर भारत के विधि आयोग ने धार्मिक और सार्वजनिक संगठनों से सुझाव मांगे थे जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली। लोकसभा सीट को लेकर मुकेश सहनी की पार्टी की तरफ से यह बयान आया सामने। अभी बीते ही दिनों दिल्ली में बीजेपी के बैठक की खबर सामने आई थी। इस बैठक में इस बात को लेकर निर्णय हुआ कि बिहार में 30 लोकसभा सीटों पर बीजेपी खुद अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, वहीं बचे 10 सीटों पर अपने सहयोगी दल जो एनडीए में शामिल है उनका समर्थन करेगी। सीट बंटवारे के मुद्दे को लेकर गहन चर्चा के बाद जब सहमति बनी और उसकी भनक बिहार में पहुंचे, इसके बाद जो भी महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ गठबंधन करने की सोच रहे थे वे अब मोर्चा खोलते दिखाई दे रहे। दरअसल वीआईपी पार्टी जिससे लेकर आशंका जताई जा रही थी कि महागठबंधन छोड़ वे एनडीए के साथ जा सकते हैं लेकिन अब पार्टी के राष्ट्रीय
प्रवक्ता देव ज्योति का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी फिलहाल न तो महागठबंधन के साथ है और न ही एनडीए के साथ, इसलिए वीआईपी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी यह कोई कैसे तय कर सकता है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से किया यह सवाल, समान नागरिक संहिता को लेकर उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आप समान नागरिक कानून लाएं, हम आपके साथ हैं, लेकिन लोगों को बताइए कि इससे हिंदुओं को क्या दिक्कतें आएंगी। आगे उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए समान नागरिक संहिता का स्वागत करते हैं, लेकिन क्या यह हिंदुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। बीजेपी को लेकर उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि यदि वे पूरे देश में गोहत्या पर प्रतिबंध को लागू नहीं कर सके तो समान नागरिक संहिता को कैसे लागू किया जा सकता है। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है मोहम्मद सकीर हुसैन, अनवर करीम खान, मोहम्मद असलम, पीयूष। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को कठपुतली बताया है, इस पर आपकी क्या राय है। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।